आज की डेट में बात करेंगे कि आपको अपना लेजी पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। तो लेजी पे लेटर टू बैंक ट्रांसफर ट्रिक मैं आपको बहुत बार दे चुका हूँ, बट आज की डेट में जो ट्रिक दूंगा 100% वर्किंग रहेगी। और अगर आप अभी तक मैं अपडेट नहीं था, बहुत दिनों से वीडियो नहीं मिल रही थी, आप मेरी रिसेंटली वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कितने पहले वीडियो अपलोड किया है और रिसेंट वीडियो मैं कब अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो बिल्कुल ट्रस्टेड चैनल है। तो चलिए बताते हैं आपको यहाँ पर कैसे आपको करना है अपना यहाँ पर लेजी पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा ये ट्रिक आपको पहले से ही पता है, बट इसमें मैं आपको एक यूनिक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका पैसा नहीं फंसेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल से कोई ट्रिक अप्लाई करते हो जिसके लिए आपको 100% सपोर्ट मिलता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उस कमेंट को सीरियसली लिया जाता है और साथ ही साथ आपकी पूरी हेल्प की जाती है, आपका पैसा एक रुपये फंसेगा नहीं मेरे ट्रिक्स अगर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको जस्ट आपको चले जाना है फ्रेंड्स प्ले स्टोर पर, आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर आना है और आने के बाद आपको सर्च करना है, सर्च करना आपको कॉम्पलीफाई, इसके बारे में आपको पता है मैं जानता हूँ, बट आपको इसके अंदर एक यूनिक जो ट्रिक बताऊंगा उसको सुनिए जिससे आपका 101% आपका पैसा निकल जाएगा। इसमें सिंपल सा आपको क्या करना, सबसे पहले आपको यहाँ पे फास्टैग रिचार्ज करना। आप कहेंगे आपको मेरे पास तो फास्टैग है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके तो विदाउट फास्टैग आप रिचार्ज करें और इसको बैलेंस जो बताऊंगा उसको ट्रिक आप समझ लीजिए। पहले आपको करना क्या सिंपल सा, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास फास्टैग नहीं, मैं भी मानता हूँ फास्टैग नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक फास्टैग सेलेक्ट कर लेना होगा और करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू डाल देना होगा जितना भी आपको निकालना है, और डालने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं फर्जी मोबाइल डिटेल्स डाल के यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, उसका फिर बताता हूँ आपको पैसा कैसे निकलेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, अच्छे से समझिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा नंबर डाल दिया, यहाँ पे कोई भी फास्टैग इस पर बना नहीं, बट मैंने आपको यहाँ पे बता रहे हैं क्या ट्रिक है, इसमें आप कोई भी नंबर डाल दिए, डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली नेक्स्ट हो जाएगा, इसको कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि आपका फास्टैग नहीं, बस आपको नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 1000 अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चार्ज तो कटेगा ही, बस आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेजी पे का, बस लेजी पे वाले सेक्शन में आपको क्लिक करके जस्ट आपको पेमेंट लेजी पे से कर देना। जैसे आपके लेजी पे पेमेंट कटेंगे तो आपको जस्ट ये जो आपका आपका ट्रांजेक्शन है ये फेल हो जाएगा, फेल होने का जो आपका पैसा कहाँ आएगा मैं आपको दिखा। फ्रेंड्स इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि आपको यहाँ पे पूरा ट्रिक भी समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को भी आप खुद से सॉल्व कर पाएं। देखिए यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि सर देखिए यहाँ पे जो आपने ट्रिक बताया उस कॉम्पलीफाई में मेरा फास्टैग रिचार्ज किया फेल हो गया, मेरे जो पैसा वो फंस गया, तो मैंने कहा ठीक है परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका पैसा निकल जाएगा। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया, उसको कहा कि भाई आप जाके अमेजॉन वाउचर बाय कर, तो उसने अमेजॉन वाउचर बाय करने के लिए गया तो वहाँ पर भी अमेजॉन वाउचर बाय नहीं हो रहा था, ठीक है, तो वो भी जो है काम नहीं कर रहा था और फेल हो जा रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि भाई आपको क्या करना स्टेप बाय स्टेप समझिए, तो अब मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा जो मैंने उसको बताया था जिससे उसका पैसा निकल गया। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना, आपको आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे स्लाइड करना, जैसे आप स्लाइड करेंगे तो जस्ट आपको यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन देखने को मिलता रहेगा, तो आपको बस स्लाइड करते चले जाना है। जैसे आप स्लाइड करते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बस ध्यान रखिएगा स्लाइड करते समय आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल गोल्ड का, डिजिटल गोल्ड वाले सेक्शन में क्लिक करें। क्लिक करने का जस्ट अभी आपने जितना बैलेंस में ऐड किया था उतना ही बैलेंस का आपको यहाँ पे आपको गोल्ड बाय करना है। अब आपका जो बैलेंस होगा जब आपका रिफंड आएगा तो रिफंड आपका ध्यान रखिएगा पॉइंट में आएगा, ना ही कि आपके ओरिजिनल पेमेंट, मतलब डायरेक्टली लीजिए पेमेंट बैलेंस नहीं जाएगा, डायरेक्टली आपके आप के कॉम्पलीफाई में आएगा। कहां पे आएगा चलिए दिखा देते हैं। तो ऊपर थ्री लाइन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, जस्ट अभी आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे रिचार्ज पॉइंट दिख रहा है, रिचार्ज पॉइंट तीसरे नंबर, जैसे क्लिक करेंगे जस्ट आपका यहां पे बैलेंस शो होगा, जो भी बैलेंस आएगा वो यहां पे आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए यहां पे आपका बैलेंस शो होगा। इसी बैलेंस के थ्रू हम क्या करेंगे यहां पे गोल्ड बाय करेंगे, ध्यान रखिएगा गोल्ड परचेस करते समय आप डायरेक्टली लेजी पेमेंट से पेमेंट करिएगा, पहले पॉइंट में आ जाएगा उसके बाद ही आप यहां पे करिएगा, जिससे आपका यहां पे चार्जेस कम लेंगे और आपका यहां पे गोल्ड बाय हो भी जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आ गया और आने के बाद रिचार्ज वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे आप जाएंगे यहां से भी बाय कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, देखिए यहां पे क्या लिख के आ रहा है पढ़ लीजिए, कुछ हमारे टैलेंटेड लोग यहीं से वीडियो छोड़ के चले गए होंगे और उनको अब आगे जाके क्या प्रॉब्लम आ गई मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे गोल्ड बाय करते समय, तो आप मोबाइल नंबर वही वाला डालेंगे जो मोबाइल नंबर से आपने कॉम्पलीफाई का अकाउंट बनाया, नंबर वन ट्रिक। दूसरा, आपको यहाँ पे गोल्ड सेव गोल्ड सेलेक्ट रहेगा लेकिन आपको दोबारा सेलेक्ट करना होगा। तीसरा नंबर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना वो ये रखना हो कि यहाँ पे आपको वैल्यू ना डाल के आपको गोल्ड ग्राम में ही वैल्यू डालना होगा, उसके बाद ही होगा। जैसे मैंने 0.11 किया है तो डायरेक्टली 655 की वैल्यू हो रही, तो आप में जितना बैलेंस होगा उस हिसाब से 0.1 करके आप 2 करके जितना भी देख सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। और करने के बाद ही रिचार्ज वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, फिर आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, नए मोबाइल नंबर फिर से पूछे डालेंगे और आपका जस्ट आपके पॉइंट वाले पे क्लिक हो जाएगा। चलिए मैं आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका आ गया, यहाँ पे एक OTP आपको डालना होगा, OTP आ चुका है, नेम आपको डालना है, पिन कोड डाल के वेरीफाई अकाउंट वाले सेक्शन क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप वेरीफाई हो जाएगा और क्रिएट डिजिटल गोल्ड अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फिर जस्ट अभी आपको
पेमेंट पेज पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पॉइंट से पेमेंट आपका कटा देंगे और डायरेक्टली आप चाहें तो लेजी पे से भी पेमेंट डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे कर सकते हैं। इतना सिंपल सा आपको करना। आप लोग कह रहे थे हमें लाइव करके दिखाई, तो मैं आपको लाइव करके दिखा दिया हूँ। मेरे पास कई ट्रांजेक्शन यहाँ पे पड़े भी, प्रूफ भी पड़े, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कल की डेट में यहाँ पे ये परचेस किया गया है गोल्ड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोल्ड है वो सक्सेसफुली परचेस हो चुका है। ठीक है, दो बार यहाँ पे परचेस किया गया, दोनों बार यहाँ पे सक्सेसफुल परचेस। एक बार 0.0 करके 16 ग्राम परचेस किया गया जिसकी वैल्यू होती 96, एक बार परचेस किया गया 0.018 ग्राम, मतलब कि इसकी वैल्यू होती 108 रुपये। तो आई होप आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को मत जॉइन कीजिए, आपको यहाँ पे ऐसी अपडेट देखने को मिलता है जो 101% जेन्युइन एंड ट्रस्टेड होती है।